अब एक बार फिर बात करते हैं शिमला की, जहां विपक्षी दल कांग्रेस ने रिज मैदान स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया। कांग्रेस ने यह धरना महंगाई के विरोध में पार्टी की 12 दिसंबर को दिल्ली में प्रस्तावित रैली को अनुमति न दिए जाने के विरोध में दिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के नेतृत्व में मॉल रोड पर धारा 144 का उल्लंघन किया और रिज पर स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया। राठौर ने इस मौके पर कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना और विरोध करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। इस प्रदर्शन के जरिए जो केंद्र की सरकार है, हिमाचल की सरकार है, हमें इन्हें चेताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि भविष्य में इस तरह की बात ना करें। कांग्रेस पार्टी के झंडे तले इस देश को आजादी मिली है और इस देश की एकता, प्रजातंत्र और लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, एक बलिदान का इतिहास हमारा रहा है। अगर आने वाले समय में इस तरह के निर्णय जो है ये सरकार लेगी, आज तो शुरुआत हुई है, लेकिन हम भविष्य में जो है पूरे देश में जन आंदोलन खड़ा करेंगे। हम प्रजातंत्र की रक्षा करेंगे, हम लोकतंत्र की जो है रक्षा करेंगे।